तो और मेरे भाई लोग कैसे हुआ, स्वागत है आपका एक और नए गेम प्ले वीडियो में, जिसमें भाई इसमें भी पिंक का परेशानी आपको देखने को मिलेगा। भाई पिंक के तो मेरे साथ चलते ही रहता है, बट यार इसमें देखना किल्स तो बहुत सारे हैं और स्क्वाड वाइप भी है, 16 वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले है भाई, तो बस इंजॉय करो। तो उतरते हैं, मुझे मिल जाती है M4 और उतरते समय आपने देखा ही था भाई, एक बंदा उतर रहा था मेरे आगे के साइड, तो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर उसके पास गन नहीं होगी तो मैं उसे रश कर देता हूँ, बस हेलमेट बेस्ट लेके, सिर्फ एक हेलमेट बेस्ट गन होती है मेरे पास और उस पर रस कर देते हैं, क्योंकि भाई उसके पास हो सकता है कि गन ना मिले उसे अभी तक। मुझे यहाँ पे फुट से पा जाती है कि वो सीढ़ियों के पास कैंप कर रहा है, तो मैं पहले हल्का सा टाइम देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूज हो जाए और फिर उस पर रस करते हैं। और भाई यहाँ पे देखो क्या है भाई, ये बंदा सोच रहा हो ये बंदा गोलियाँ ऊपर चला रहा है, बट असल में गोलियाँ इसके मुँह पर चल रही थी। इसे मैं सोचता हूँ थोड़ा देर रखता हूँ कि शायद इसका टीममेट है, बट ये अकेले उतर रहा था तो मैं इसे मार देता हूँ और फिर इसे लूट के भाई ठाड़ेल में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बंदे नहीं होते। यहाँ पे भाई मुझे आते ही गन की आवाज़ आ जाती है, गोलियों की आवाज़ आ जाती है, तो मैं अंदर आ जाता हूँ घर के अंदर, क्योंकि भाई अंदर रहेंगे तो स्टे होम स्टे सेफ होगा, मतलब स्टे होम स्टे सेफ वाला लॉजिक लगेगा। तो भाई यहाँ पे मुझे सामने एक बंदा, मतलब बंदे का आवाज़ आते रहता है, मैं उसे ढूंढता रहता हूँ बट दिखता नहीं, तो मैं हल्का सा राइट के साइड देखता हूँ, यहाँ से वो बंदा पार होता है तो फिर मैं आगे के साइड से नॉक कर देता हूँ भाई, ऐसे अभी नॉक नहीं कर पाता लेकिन डायरेक्ट फिनिश हो जाता है ये, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल आती है इसे मारने में, क्योंकि यार ये मूविंग टारगेट था यार और हेल्थ लगा रहा था। फिर इसके बाद भाई यहाँ पे एक बंदा आता है, मैं इसे देख लेता हूँ, पहले तो मैं नहीं मार पाता, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं मार पाता, बट फिर मैं मार देता हूँ इसे, नॉक कर देता हूँ और फिर नॉक करता हूँ, तो भाई एक और फुटस्टेप आने लगता है, तो मैं सोचता हूँ अगर यहाँ पे रहूँगा तो लोकेशन बता देगा तो मैं पीछे हट जाता हूँ, और पीछे हटने के बाद यहाँ से एक को नॉक करते हैं, यहाँ पे दूसरा नॉक हो जाता है। उसके बाद अगर उनका अब उनके पास दो बंदे और बच रहे होंगे, तो भाई वो दोनों एक दूसरे को एक एक को रिवाइव दे रहे होंगे, मतलब उनके पास अब बंदे बचे नहीं हैं जो कि गोलियाँ चला सके। तो यार मैं आगे के साइड बस हल्का सा हेल्थ लगा लेता हूँ, क्योंकि यार हेल्थ नहीं रहेगा तो मैं मार नहीं पाऊँगा उसे, हेल्थ लगा के भाई उस पर रश कर देता हूँ डायरेक्ट, ताकि यार उसे मार सकूँ। अगर दोनों रिवाइव दे रहे होंगे एक दूसरे को, तो रिवाइव देते समय मारना आसान होता। मैं देख लेता हूँ ये नॉक वाला बंदा उधर जा रहा है, मतलब उसका टीममेट उधर की साइड ही होगा। यहाँ पे मैं आता हूँ तो देखता हूँ रिवाइव दे रहा, जैसे ही इसे नॉक करता हूँ दूसरा बंदा खड़ा होता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है, मुझे लगता है अब तो मैं मर जाऊँगा, बट देखो यार क्या ही मारे इसे, 1 HP में मतलब इसे मार दिया भाई। तो यार यहाँ पे ये स्क्वाड को रिवाइव हो जाता है, यहाँ पे मुझे 2 बोट मिलते हैं ठड़ी में, उसे भी मार देते हैं, आप टेढ़ी वेढ़ी बढ़ जाएगी अपनी। तो यार 2 बोट को मारने के बाद चलते हैं यहाँ से लूट वूट के यहाँ से, क्योंकि लूट भाई ज़रूरी होती है। फिर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, तो भाई रास्ते में जाते जाते एक और बोट दिख जाता है यार, तो इसे ही मार लेते हैं, क्योंकि यार ये भी केड़ी बनाने के लिए ही आया होगा, साक्षात केड़ी है यार इसे बहुत लोग। तो यहाँ पे इसे मार देता हूँ, फिर इसे फुल फिनिश कर देते हैं, और फुल फिनिश करने के लिए मैं फिस्ट का प्रयोग करता हूँ, तो पीछे एक बॉट और आ जाता है जिसे फिर से मार देते हैं। और भाई यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या ही होगा, एक और बॉट आया, उसे भी मैंने नॉक किया। भाई कितने सारे बॉट हैं यहाँ पे, मतलब यार एशिया सर्वर क्रोन के लोगों में इतने सारे बोट्स, मतलब मजाक हो रहा है। तो यार यहाँ पे मेरा एक बोट का किल चोरी हो गया था, तो मैं सोचता हूँ दूसरा वाले बोट का किल कंफर्म कर लेते हैं, और अब जिसने किल चोरी की थी भाई उसे मारना तो बनता, उधर से गोलियाँ क्यों आ रहे थे, बट वो बंदा उधर दिख नहीं रहा था, तभी मुझे फिर वहाँ से गोलियाँ पड़ती है, और मैं एकदम 1 HP बचता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले भाई मेडकिट मार लेते हैं, क्योंकि यार मेडकिट हेल्थ नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कैसे, फिर देखने की कोशिश करता हूँ, फिर से मुझे वो बंदा नहीं दिखता और गोलियाँ मुझे फिर से पड़ती है, तो इस बार मैं सोचता हूँ कि स्मोक करके भाई पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यार अगर यहाँ पे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्मोक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं उसे देख नहीं पा रहा था, और आप किसी को अगर देख नहीं सकते तो मार नहीं सकते, सिंपल सा मतलब है। यहाँ पे मैं हल्का सा पोर्शन काटने वाला हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरा पिंग हाई हो जाता है, तो भाई मैं पिंग हाई नहीं दिखाना चाहता यार, क्योंकि मेरा बेइज्जती होता है भाई, पिंग हाई हो जाता है मेरा हर बार का ये। तो यहाँ पे मैं स्मोक करके पीछे की तरफ भागने लगता हूँ, पहले हेल्थ लगा देता हूँ भाई, ताकि पीछे से गोलियाँ पड़े तो मुझे मैं नॉक डायरेक्ट फिनिश ना हो जाऊँ। तो मैं यहाँ पे घर में आ जाता हूँ, और घर में बहुत आसपास देखता हूँ बट बंदे नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे बाहर के साइड बंदा दिख जाता है एक, जिसे मारने में बाहर आ जाता हूँ, और भाई इसे क्या ही मारा, प्रोन होकर मारा भाई एकदम सामने जाकर प्रोन हो गया। फिर मैं इसे डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि यार जोन आते रहता है तो जोन में जाना भी जरूरी था, तो इससे कुछ लूट लेते हैं और फिर यहाँ पे जोन में आ जाते हैं। और भाई इतने लास्ट सर्कल में भाई बोट जीत गया, भाई क्या चल रहा है मैच में, और एक और बोट भाई, एक और बोट, और ये स्प्रे देखो भाई, ओपी स्प्रे, सबसे ओपी स्प्रे,
ऐसा स्प्रे भाई आपने कहीं नहीं देखा होगा, बस देखते जाओ। भाई बॉट पर स्प्रे दे रहा हूँ, ये रियल बंदा नहीं है, याद रखना। तो फाइनली बहुत ही ज्यादा मुश्किल के बाद इसे मार देते हैं, और फिर अब एक ही बंदा बच रहा था जो कि मुझे पता था पहाड़ पे ही होगा, और मुझे वो पहाड़ पे आते हैं स्पॉट भी हो जाता है। भाई इसे देखना, ये बंदा लगभग मुझे मार चुका था भाई, फिर भी मैं इसे कितना मुश्किल से। पहले मैं यहाँ पे हल्का डैमेज देता हूँ, मुझे पता था यहाँ पे हल्का डैमेज है, मेरा हेलमेट बेस देख लो भाई कितना डैमेज है पहले से देख लो ये। और यहाँ पे मैं जाता हूँ वो देखा मुझे कितना डैमेज, यही मैं इस स्पॉट वाले के साथ यहाँ पे मारने वाला मैं था, और फिर भी मैं इसे किसी से आकर मार देता हूँ। इस वर्ड वाले के साथ भी यही हुआ था, वो ऊपर का साइड देख रहा था, मैं ऊपर का साइड देख रहा था, पर उसे लगा कि मैं नीचे का साइड देख रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।